गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन बात करते हैं, कंटिन्यू क्लास में बात कर रहे थे, जैसे अपन पढ़ रहे थे सिम्टम्स के बारे में, ठीक है। सिम्टम्स और एक साइन का बताया था, साइन का अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैंने सिम्टम्स की कैटेगरी बताई थी कि सिम्टम्स क्या, किस कितने टाइप के हो सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ देखो, सीधा सिम्टम्स में मैंने एक डेफिनेशन में लिखवाया था कि कोई भी प्लांट की सेप का बिगड़ जाना, उसका साइज बिगड़ जाना और उसका कलर बिगड़ जाना, ये सब चीज़ें किसमें आती है, सिम्टम्स। अब डायरेक्ट मैं बताऊं तो यहाँ पे तुम लोगों को पूरे के पूरे सिम्टम यहीं से बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अपन सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। अब सेप के अंदर क्या होता है कि सेप के अंदर प्लांट पार्ट की, जैसे लीव्स की सेप बिगड़ जाती है, मुड़ जाना पत्ती का, कोई साइज का बड़ा हो जाना उसका, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे लीफ कर्लिंग हो गया, पकरिंग हो जाता है, क्रिंकलिंग हो जाता है, तो ये सारी चीजें क्या होती है कि उसके शेप बिगड़ने की वजह से होता है, ठीक है। अब साइज की बात करते हैं तो साइज में क्या होता है, स्टंटिंग ऑफ प्लांट, प्लांट की जो इंटरनोड्स होती है उनका साइज कम हो जाता है, तो उस वजह से प्लांट की हाइट कम हो जाती है, तो साइज चेंज हो जाता है उसका। कलर की बात करते हैं तो कलर में क्या होता है, प्लांट किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, तो ग्रीन कलर में, अब देखो ग्रीन कलर में चेंज कैसे, जैसे उसका कलर हो जाता है येलो, तो येलो हो गया तो उसको बोल देते हैं अपन येलोविंग। एक येलोविंग होता है, दूसरा क्लोरोसिस होता है, इसका मतलब भी पीलापन, इसका मतलब भी पीलापन। अब कुछ तो फर्क होगा ना दोनों में क्या चीज़ है। येलोविंग की बात करते हैं तो जब कोई प्लांट के ऊपर यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म मतलब पैचेस बनते हैं, यानी कि धब्बे बनते हैं, जैसे ये कोई प्लांट की लीफ है तो उस लीफ पे क्या होगा, जैसे इस टाइप के ऐसे चकते बन जाते हैं बड़े बड़े, और वो बाद में पूरे के पूरे एक साथ में मिल जाते हैं, तो पूरा प्लांट का जो लीव्स होता है वो क्या, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको बोल देते हैं अपन येलोविंग। अब क्लोरोसिस की बात करते हैं तो क्लोरोसिस में क्या होता है कि जो क्लोरोफिल होता है वो ब्रेक हो जाता है, क्लोरोफिल क्या होता है वो ब्रेक हो जाता है, जगह जगह क्लोरोफिल क्या होता है टूट जाता है या उसका डेवलपमेंट नहीं होता, तो उस वजह से क्या होता है कुछ एक जगह पे ऐसे पीले रंग की ऐसे धारियां बन जाती है या फिर पीलापन थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लग जाता है, तो उस वाले सिम्टम को बोल देते हैं अपन क्लोरोसिस। बात दोनों की एक होती है, लेकिन येलोविंग में मोस्टली क्या होता है कि यूनिफॉर्मली होता है, यूनिफॉर्म मतलब पैचेज पूरे पत्ते को कवर करता हुआ निकलता है, ठीक है। अब उसी टाइप से इसमें बहुत सारे पैटर्न भी होते हैं। अब येलोविंग में एक चीज़ आती है मोज़ेक, मोज़ेक में भी क्या होता है, एक जैसे येलोविंग से रिलेटेड है ये, इसमें कलर अलग अलग हो सकता है, तो इसमें क्या होता है कि मोज़ेक किसको बोलते हैं, वायरस के केस में होता है, कोई भी प्लांट में वायरल डिजीज होती है तो वायरस क्या कर देता है उसमें मोज़ेक कर देता है। मोज़ेक का एक्चुअल मीन क्या होता है, मोज़ेक का मतलब होता है कि अल्टरनेशन ऑफ कलर, जब दो डिफरेंट कलर एक दूसरे के साथ जैसे अल्टरनेट हो जाते हैं उस पे पत्ती पे, जैसे पत्ती का रंग ग्रीन होता है तो उसमें क्या हो सकता है कि या तो वो पत्ती का कुछ हिस्सा लाइट ग्रीन हो जाएगा, कुछ डार्क ग्रीन हो जाएगा, या पत्ती का कुछ हिस्सा येलो हो जाएगा, दूसरा हिस्सा ग्रीन बना रहता है, तो उस चीज़ में क्या होता है कि मोज़ेक एक पैटर्न जैसी बात होती है कि एक पैटर्न हो गया उसका। मोज़ेक में क्या होगा, जैसे लीफ होगी तो लीफ के अंदर क्या होगा कि पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं और बीच का पार्ट होता है वो जैसे ग्रीन का ग्रीन पार्ट रह जाता है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट टाइप के जो कलर होते हैं इसके सिम्टम आपको इमेज में मिल जाएगी, जो इसकी पीडीएफ होगी उसमें तो ज़्यादा समझ में आएगा। अपने समझने वाली बात ये होती है कि इसमें दो डिफरेंट टाइप के कलर जब पत्ती पे दिखाई देने लग जाते हैं, अलग अलग टाइप के उस पे चकते बन जाते हैं, तो उसको मोज़ेक बोलते हैं। सीधा बोले तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, अनइवन डेवलपमेंट ऑफ, अनइवन डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल, अनइवन डेवलपमेंट ऑफ
क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाना या फिर असमान रूप से उसका विकास होना, उसको क्या बोल देते हैं अपन, मोज़ेक। तो ये वायरस के केस में होता है। तो इसमें क्लोरोसिस होती है, उसी टाइप से एक टर्म और आ जाती है इसमें क्रोमोसिस, क्रोमोसिस। क्रोमोसिस में क्या होता है, क्लोरोसिस में तो क्या होता है कि ग्रीन कलर डिसअपियर होके उसकी जगह पे क्या आ जाता है, येलो कलर। क्रोमोसिस में क्या होगा, जो ग्रीन कलर था या ग्रीन पार्ट था प्लांट का, उस ग्रीन पार्ट की जगह येलो कलर के अलावा दूसरे कलर, जैसे रेड कलर दिख जाना, पर्पल कलर दिख जाना, तो इस प्रकार के जो कलर दिखाई देते हैं उस चीज़ को अपन बोल देते हैं क्रोमोसिस। ठीक है, बेसिक अपने याद रखने वाली चीज़, बस क्लोरोसिस को ध्यान में रखना है, येलोविंग को ध्यान में रखना है। ये जो होता है, जो सेप बिगड़ने की वजह से होता है, तो सेप किस वजह से बिगड़ती है, उसकी ग्रोथ की वजह से, कि उसकी ग्रोथ की वजह से उसमें सेप बिगड़ जाता है प्लांट का। तो सेप बिगड़ना या लीफ का सेप बिगड़ जाता है, तो लीफ कर्ल हो गया, लीफ कर्ल हो जाना मतलब उसका पत्ती की जो सरफेस होती है उसके पार्ट में कोई ओवर ग्रोथ होती है, तो ओवर ग्रोथ की वजह से क्या होता है, उसकी मार्जिन जो होती है उसमें ग्रोथ होने की वजह से क्या हो जाती है, वो मिडरिब की तरफ बढ़ने लग जाती है, मिडरिब की तरफ बढ़ती चली जाती है और उसके अंदर घुमाव पैदा हो जाता है। तो उस चीज़ को अपन बोल देते हैं लीफ कर्लिंग। ठीक है, ये अपवर्ड हो सकता है और डाउनवर्ड हो सकता है। पकरिंग में क्या होता है, पकरिंग में ऐसे क्या होता है कि जो लीफ की सरफेस होती है उसमें कुछ सेल या फिर उसके टिश्यू के अंदर ओवर ग्रोथ हो जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि फफोले जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, तो उसको अपन बोल देते हैं पकरिंग। क्रिंकलिंग में क्या होता है, क्रिंकलिंग में होता है कि उसके अंदर जब प्लांट के अंदर गड्ढे, इसकी जो लीफ होती है उसके अंदर कुछ जगह पे तो ओवरग्रोथ दिखाई देती है और कुछ जगह पे क्या हो जाता है, इसे गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, मतलब कहीं गड्ढा बन रहा है तो कहीं उभार बन रहा है, कहीं गड्ढा बन रहा है तो कहीं उभार बन रहा है, तो उस वाले सिम्टम्स को अपन बोल देते हैं क्रिंकलिंग। तो ये सारे सिम्टम वायरस की डिजीज़ के अंदर होते हैं। वैसे डिटेल में अपन और पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन याद करनी है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार समझा दिया, इसको बाद में समझ में नहीं आए तो एक बार और पूछ लेना, डिटेल में लिखा हुआ मिल जाएगा ये अपने नोट्स के अंदर। अब अपन बात करते हैं जो अपने सिस्टमेटिक ढंग से जिस तरीके से पढ़ रहे थे उस पे आते हैं अपन। ये तो मैंने बेसिक बताया कि सिम्टम में मैंने लिखवाया था कि शेप साइज और कलर चेंज होना, तो शेप साइज कलर चेंज होगा तो इस टाइप के सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। और सिम्टम क्या था, एक रिस्पॉन्स था, प्लांट रिस्पॉन्स ही तो दे रहा है कि उसकी पत्ती में घुमाव पैदा हो रहा है, तो अपने उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है, इस चीज़ को अपन आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो अपन जैसे कल पॉइंट लिखवाए थे मैंने लास्ट क्लास में, उसमें पहली चीज़ लिखवाया था मैंने नेक्रोसिस होना। नेक्रोसिस में क्या बताया था मैंने, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल, सेल का डिसइंटीग्रेशन हो जाना मतलब उसकी रोटिंग होगी या फिर उसके अंदर डिग्रेडेशन हो जाएगा, यानी कि उसका अपघटन हो जाएगा। डिग्रेडेशन होने की वजह से, उसमें अपघटन होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसका जो सेल होगी उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। डेथ होने की वजह से उस सेल का कलर क्या हो जाएगा, या तो ब्राउन कलर में परिवर्तित हो जाएगा या फिर वो ब्लैक कलर में परिवर्तित हो जाएगा, और इस पार्ट को अपन कोई भी ट्रीटमेंट से रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये नेक्रोसिस होता है। तो नेक्रोसिस में भी बहुत टाइप के सिम्टम होते हैं कि नेक्रोसिस होने की वजह से क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्लांट पे अपने को दिखाई देती है। तो अब इसमें देखो कि नेक्रोसिस की बात करते हैं, तो इसमें एक मैंने कल टर्म बताया था बीच में कि नेक्रोट्रोप, नेक्रोट्रोप और एक होता है बायोट्रोप। ये क्या होते हैं, पैथोजन की कैटेगरी होती है। ये क्या होते हैं, पैथोजन की कैटेगरी होती है। एक नेक्रोट्रोप टाइप के होते हैं, एक बायोट्रोप होते हैं। तो इसको अपन बोले तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, सेप्रोबिक नेचर के। सेप्रोबिक नेचर मतलब मृतोपजीवी टाइप के जो जीव होते हैं ना, उसको बोल देते हैं अपन नेक्रोट्रोप। बायोट्रोप होते हैं उसको अपन क्या बोल सकते हैं, अविकल्पी, अविकल्पी परजीवी। जो ओब्लिगेट पैरासाइट होता है उसी टाइप, उसी को अपन बोल सकते हैं अपन बायोट्रोप।
अब इनका करेक्टर क्या होता है कि नेक्रोट्रोप जिस टाइप के कैटेगरी के जो नेक्रोट्रोप होते हैं सेप्रोबिक नेचर के होते हैं, जो सेप्रोफाइट्स होते हैं मर्द कार्बनिक पदार्थ पे जीवित रहने वाले जो पैथोजन होते हैं, उनका नेचर क्या होता है कि वो जब कभी भी प्लांट की सेल पे अटैक करते हैं तो उस सेल पे अटैक करने के बाद वो क्या करेंगे, या तो वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे, टॉक्सिन मतलब होता है पॉइजन, पॉइजन मतलब एक विषकारी पदार्थ यानी कि विषाक्त पदार्थ पैदा करता है जो कि सेल के लिए हानिकारक होता है, तो वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, तो उस टॉक्सिन की ऐसी प्रॉपर्टी होगी कि वो उसकी सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको डैमेज करेगा, उस प्रोटोप्लाज्म को ख़त्म कर देगा। और दूसरी चीज़ क्या करता है कि जो पैथोजन होगा वो क्या वेपन यूज करेगा, एक तो टॉक्सिन करता है, दूसरा क्या होगा उसके पास में एंजाइम होगा, तो एंजाइमेटिक रिएक्शन की वजह से इसकी जो सेल की जो स्ट्रक्चर होती है वो डिग्रेड हो जाती है, तो वो इसका जो एंजाइम क्या करेगा उसकी सेल वॉल पे अटैक करेगा, फिर सेल मेम्ब्रेन पे अटैक करेगा, तो इस पूरी सेल को वो क्या करेगा बाहर से तोड़ देगा और पूरी सेल को ऐसे खोल देगा, तो इसके अंदर क्या होता है सेल के अंदर तो न्यूट्रिशन होगा, चाहे डेड है तो भी उसके अंदर मिनरल्स न्यूट्रिशन जो भी होगा, तो उसके बाद अटैक करने के बाद में जब प्लांट उससे जो डेड सेल से जो न्यूट्रिशन लेता है तो उस टाइप के करेक्टर वाले या उस टाइप के जीवों को अपन क्या बोल देंगे सेप्रोफाइटिक, वो मर्त्योपजीवी हो जाते हैं। दूसरी बात आती है बायोट्रोप की, बायोट्रोप का मैंने बताया कि अविकल्पी परजीवी या फिर इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट बोल देते हैं, तो ये क्या होते हैं कि जब तक प्लांट लिविंग होता है इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये लिविंग सेल या लिविंग प्लांट से क्या करते हैं न्यूट्रेंट एब्जॉर्ब करते हैं, लिविंग प्लांट या लिविंग सेल से न्यूट्रेंट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, कि जब तक प्लांट जीवित रहता है तब तक वो न्यूट्रिशन लेते रहते हैं और उसी पे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते रहते हैं, तो उसको क्या होता है कि एक लिविंग सेल की रिक्वायरमेंट होती है, वो इस टाइप से सेल की डेथ नहीं करते लेकिन कंटिन्यूस उस प्लांट में इरिटेशन करते हैं, उसको कमज़ोर बना देते हैं। कैसे कमज़ोर बनाएंगे कि बार उसको कंटिन्यूस उसमें न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन करता रहेगा, तो उसके अंदर क्या होगी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी पैदा कर देगा, उसको भरपूर पोषण नहीं मिलेगा प्लांट को, तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, तो ये इस टाइप से इफेक्ट डालते हैं। तो ये नेक्रोट्रोप और बायोट्रोप का मतलब मृतोपजीवी या फिर पूर्ण रूप से परजीवी जो होता है इस टाइप के होते हैं। तो अब नेक्रोसिस करने वाले ही कौन होते हैं नेक्रोट्रोप, ठीक है। कुछ नेक्रोट्रोपिक कंडीशन डेवलप हो जाती है यानी कि नेक्रोसिस हो सकती है किसकी वजह से, बायोट्रोप की वजह से। वो क्या होती है कि जब उसके अंदर उससे न्यूट्रिएंट ले लिया जाता है प्लांट से, तो जब प्लांट की जीर्णता की तरफ जाता है तो उसकी सेल डेथ, उनकी कुछ सेल की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है ब्राउन और ब्लैक कलर का धब्बा बन जाता है, तो उस वाले सिम्टम को बोल देते हैं अपन नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस की कैटेगरी में क्या चीज़ आती है, और इसके अलावा दो पॉइंट और थे उसके बारे में बताते हैं अपन, नेक्रोसिस और नेक्रोसिस का डिस्कस कर लेते हैं पहले। नेक्रोसिस में क्या था कि नेक्रोसिस का रिजल्ट यानी कि नेक्रोसिस किस किस फॉर्म में हो सकता है, किस किस रूप में हो सकता है नेक्रोसिस, नेक्रोसिस कहाँ कहाँ हो सकता है, नेक्रोसिस स्टेम पे हो सकता है, नेक्रोसिस लीफ पे हो सकता है, नेक्रोसिस फ्रूट पे हो सकता है, स्टोर्ड पार्ट पे हो सकता है, यानी कि जैसे प्लांट के ऊपर कोई फ्रूट लगा हुआ है तो उसकी डेथ हो गई, तो नेक्रोसिस होने की वजह से वो उसकी डेथ हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि स्टोर्ड प्लांट यानी कि नेक्रोसिस कहाँ हो सकती है, अपने रोटिंग जो होती है वो नेक्रोसिस का एक टाइप होता है, तो जैसे स्टोर्ड जो अपने स्टोर किए होते हैं संग्रहित जो मटेरियल होता है उसके अंदर भी हो सकता है, तो वुडी पार्ट पे भी हो सकता है यानी कि उसके हार्ड पार्ट पे भी हो सकता है, उसके ट्विग पे, उसके स्टेम पे, कहीं भी हो सकता है, तो लीव्स पे भी अलग अलग होता है, सब टाइप के होते हैं। तो इसमें अपने नेक्रोसिस की बात करते हैं, तो इसमें एग्जांपल में देखते हैं तो क्या चीज़ होती है कि जैसे नेक्रोसिस भी दो टाइप की होती है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अपने, सीधा नेक्रोसिस के बारे में ही पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप हो जाएगा फिर याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्रोसिस में अपन बात करें तो नेक्रोसिस में आ जाता है एक जैसे विल्ट, पूर्ण नेक्रोसिस नहीं होती, नेक्रोसिस पूरी नेक्रोसिस की प्रक्रिया होने से पहले के जो इस पे कोई प्रभाव पड़ता है तो वो भी इस कैटेगरी में आ जाता है, नेक्रोसिस वाली कैटेगरी में जाता है, तो उसमें क्या आता है एक विल्ट। अब विल्ट का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ टर्जिडिटी, लॉस ऑफ टर्जिडिटी, टर्जिडिटी का मतलब होता है
सफेदता, सफेद सेल होती है जिसके अंदर पूर्ण रूप से वाटर पूरा पूरा जिसके अंदर होता है, जो परिपूर्ण जो सेल होती है, वाटर परिपूर्ण जो सेल होती है उसको अपन टर्जिड सेल बोल देते हैं, कि उसके अंदर पानी भरपूर मात्रा में होता है और पानी उसको आवश्यक होता है, क्योंकि जब ट्रांसपेट जो जो उसको उसका जब ट्रांसपिरेशन होता है तो उस टाइम में क्या होता है, वाटर लॉस भी होता है, उसको कंटिन्यू सेल का जो शेप होता है और जो उसकी लीव की जो स्ट्रक्चर होती है उसको मेंटेन रखने के लिए टर्जिडिटी आवश्यकता होती है, टर्जिड सेल होना जरूरी है। तो अब इसमें क्या होता है कि विल्ट में क्या होता है, उसकी टर्जिडिटी खत्म हो जाती है, मतलब वो उसके अंदर सफेदपन नहीं रहता, सेल क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। उस वजह से क्या होगा, पानी की कमी की वजह से सेल क्या होती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, लॉस ऑफ टर्जिडिटी रिजल्टिंग इन ड्रूपिंग ऑफ लीव्स स्टेम एंड फ्रूट्स। अब ड्रूपिंग का मतलब क्या होता है, सिकुड़ जाना, इकट्ठा हो जाना, सूख जाना, सिकुड़ना या फिर सूख जाना, ड्राई हो जाना। तो अब क्या होता है कि लॉस ऑफ टर्जिडिटी, टर्जिडिटी की लॉस की वजह से जिसका रिजल्ट क्या होता है कि ड्रूपिंग ऑफ लीव्स स्टेम एंड फ्रूट, ये जो पार्ट्स होते हैं इनमें क्या हो जाती है, सिकुड़न पैदा हो जाती है। तो उस चीज़ को अपन क्या बोल देते हैं, विल्ट। अब विल्ट में भी दो फैक्टर काम करते हैं, फिजियोलॉजिकल होता है एक, तो फिजियोलॉजिकल विल्ट और एक पैथोलॉजिकल या फिर पैथोजेनिक होती है। फिजियोलॉजिकल जो विल्ट होती है उसके अंदर क्या होता है कि वाटर की कमी हो जाती है। ठीक है, वाटर की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, उसके अंदर विल्टिंग अपीयरेंस होने लग जाती है। उससे क्या होता है कि विल्ट में अपन पूरा पढ़ेंगे तो उसमें अपन सिम्टम पूरे पढ़ेंगे, विल्ट एक अपने आप को डिफाइन कर देता है, पूरे सिम्टम जो टर्म जो है ये अपने आप पूरा सिम्टम को डिफाइन करता है। अब विल्ट के बारे में पूरा पता होगा तो अपने जब विल्ट डिजीज पढ़ेंगे कोई भी क्रॉप की, तो अपने को कोई सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने सिर्फ विल्ट का नाम लेते ही अपने को पता हो जाना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ हो सकती है, कि उसकी टर्जिडिटी लॉस होने की वजह से क्या होगा, उसके जो लीव्स होंगी, स्टेम होगी, जो फ्रूट होगा उसके अंदर इफेक्ट पड़ेगा और पौधे में क्या होगा, पीलापन दिखाई देगा। ठीक है, अब एक तो होता है फिजियोलॉजिकल, दूसरा पैथोलॉजिकल हो गई। ठीक है, पैथोजेनिक होती है तो वाटर सप्लाई नहीं होने की वजह से उसमें क्या होता है कि इरिगेशन की कमी की वजह से एक विल्ट हो जाता है। दूसरा पैथोलॉजिकल होती है, उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं विल्ट में, या तो फंगस की वजह से हो जाएगा, या बैक्टीरिया की वजह से हो जाएगा, निमेटोड का भी रोल रहता है, तो बहुत सारे फैक्टर इसमें काम करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये कैसे विल्ट कर देते हैं, ये फैक्टर जो बायोटिक एजेंट होते हैं वो कैसे विल्ट कर सकते हैं, ये क्यों, इसके लिए जो पैथोलॉजिकल विल्ट के लिए क्यों उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अपन जब देखते हैं कि कोई प्लांट इन्फेक्टेड है किससे, फंगस से, तो फंगस का मैंने एक हिस्टोलॉजिकल जो सिम्टम था तो उसमें बताया था कि वो टाइलोज एक स्ट्रक्चर होती है उसका निर्माण करती है, जो कि उसको स्टेम या फिर उसके जो जाइलम पार्ट होता है उसको ब्लॉक कर देती है। तो टाइलोज बनाएगी तो फंगस क्या करेगी, इस रूट का जो पाथ होता है, जो जाइलम का जो पार्ट होता है, उस जाइलम के अंदर क्या करेगा, ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा या फिर ऐसे टिश्यू डेवलप कर देगा जो कि उस पाथ को ब्लॉक कर देती है। तो ब्लॉक होने की वजह से जो इसकी लीव्स होती है, इसका जो अपर पोर्शन होता है, पूरा का पूरा जो फ्लोरल पार्ट होता है वो भी इसका क्या हो जाता है, ड्रूप हो जाता है। यहाँ पे पानी की कमी होने की वजह से पौधा मुरझाने लग जाता है, उसमें पीलापन आ जाता है। ठीक है, इसी टाइप से क्या होता है कि निमेटोड होता है, निमेटोड की बात करते हैं तो निमेटोड भी क्या करता है, जड़ों में क्या कर देता है, गांठें बना देता है, नोट फॉर्मेशन करता है। तो वो नोट बनाता है तो नोट की वजह से क्या होगा, उसका ब्लॉकेज हो जाएगा, वो इसको सीज कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो ब्लॉक होने की वजह से इसमें क्या होगा, वाटर सप्लाई का जो पाथ होता है वो
पूरा ब्लॉक होने की वजह से इसमें विल्टिंग अपीयरेंस होने लग जाती है। तो ये बैक्टीरिया भी इसी टाइप से, बैक्टीरिया क्या करेगा, रूट की रोटिंग कर देता है, तो रूट को ही ख़त्म कर देगा, तो उसमें वाटर सप्लाई हो नहीं पाएगा, तो इस वजह से इसमें क्या हो जाता है, विल्टिंग अपीयरेंस आने लग जाती है। और सिंपल जब फिजियोलॉजिकल विल्ट की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ पानी की कमी, सोइल के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी की वजह से उसमें वाटर सप्लाई नहीं हो रहा, तो उस वजह से उसकी टर्जिडिटी कम हो जाती है, तो उस वजह से उसमें विल्ट हो जाता है। विल्ट के बाद अपन बात करते हैं, सेकंड पॉइंट है वो है डैम्पिंग ऑफ। विल्ट में मैंने बताया कि वो टर्जिडिटी लॉस होने की वजह से क्या होगा, एक तो होता है उसके अंदर येलोविंग होगी, इनिशियल जो स्टेज होगी उसमें क्या होगा, येलोविंग होगी। येलोविंग होने के बाद में जो येलो पार्ट, जैसे कोई पत्ती है तो उस पत्ती पे जो, जैसे यहाँ पे येलोविंग स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे येलोविंग होगी, तो सेकेंडरी जब उसमें सिम्टम होगा तो वो क्या होगा कि ये जो येलो पार्ट था वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट होना क्या हो जाता है कि उस सेल की डेथ हो गई, वो डेथ होने की वजह क्या होती है, उसका नेक्रोसिस हो जाना, ठीक है। इसी टाइप से क्या होता है कि डैम्पिंग ऑफ। अब डैम्पिंग ऑफ क्या होता है कि डैम्पिंग ऑफ में सीधा सा मतलब होता है कि इसका टोपल डाउन ऑफ प्लांट। टोपल डाउन का मतलब होता है कि जब कोई प्लांट जमीन के पास वाले भाग से टूटकर और जमीन के ऊपर ऐसे पैरेलल गिर जाता है इसके ऊपर, ठीक है। तो इस पे इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, ये प्लांट का जमीन पे गिरना क्या कहलाता है, टोपल डाउन हो जाना। टोपल डाउन किस वजह से होगा कि जो स्टेम नेक्रोसिस होती है, स्टेम की नेक्रोसिस हो जाने की वजह से, स्टेम का नेक्रोसिस क्या होगा कि जो स्टेम वाला पार्ट है, जब इसके ऊपर फंगस जब इन्फेक्शन करती है, डैम्पिंग ऑफ करती है, एक फंगस होती है उसका नाम होता है पीथियम, ये क्या करती है डैम्पिंग ऑफ। नर्सरी स्टेज में भी हो जाती है, प्री इमरजेंस होती है, पोस्ट इमरजेंस होती है, सीडलिंग जर्मिनेट होने से पहले भी हो जाती है, जर्मिनेशन के बाद भी हो जाती है। तो जब इस पे फंगस अटैक करती है तो इस पे क्या करेगी, वो टॉक्सिक इफेक्ट डालेगी या फिर उसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ की वजह से यहाँ पे क्या बनाती है, लीजन्स। लीजन्स क्या होता है ये भी बताता हूँ, क्या होता है लीजन। लीजन का मतलब हो गया कि इसके ऊपर एक ऐसा धब्बा डेवलप होगा जो कि पूरा का पूरा नेक्रोटिक होगा, नेक्रोटिक मतलब डेड होगा। तो वो क्या करेगा, जो नेक्रोटिक धब्बा जो बनता है इसके अंदर, उसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका जो ये स्टेम वाला पार्ट है, इसका कंटिन्यूअस डिसइंटीग्रेशन हो रहा है या फिर इसकी रोटिंग हो रही है, तो वो डिग्रेड हो रहा है। डिग्रेड होता होता वो क्या होगा कि पूरा स्टेम जो होगा यहाँ से पूरा कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर होने की वजह से क्या होगा, प्लांट ज़मीन पर गिर जाएगा। तो इस चीज़ को अपन बोल देते हैं डैम्पिंग ऑफ। अब देखो इसमें भी क्या हुआ, डैम्पिंग ऑफ हुआ किस वजह से, टोपल डाउन किस वजह से हुआ, ज़मीन पे क्यों गिरा, कोलर रीजन बोलते हैं इस वाले पार्ट को जो ज़मीन से, जहाँ से स्टेम और रूट जब ज़मीन के उस हिस्से से जुड़ी रहती है, उस हिस्से को अपन क्या बोलते हैं, कोलर रीजन पे लीजन डेवलप होगा। लीजन डेवलप होने की वजह से वो सड़के ज़मीन पे गिर जाता है। तो ये नेक्रोटिक रीजन डेवलप हुआ, तो इसीलिए किस वाली कैटेगरी में आता है, नेक्रोसिस वाले में। अब इसमें क्या होता है कि लीजन क्या होता है, ये चीज़ देखो, लीजन का मतलब होता है, इसको डिफाइन करते हैं तो क्या बोल सकते हैं इसको, लोकलाइज्ड नेक्रोटिक एरिया डेवलप ऑन लीव्स स्टेम एंड फ्रूट्स, इसको अपन लीजन बोल सकते हैं। लोकलाइज्ड मतलब जहाँ पे, जैसे ये रूट वाला जो स्टेम वाला पार्ट है, इस पे क्या होगा कि ये लोकलाइज्ड रहता है। लोकलाइज्ड मतलब ऐसे इस जगह पे जैसे डेवलप हुआ तो ये फिक्स रहता है इस जगह से, और इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता कि ये वेन के द्वारा घिरा रहता है या फिर इसके ऊपर कोई ऐसे लीजन के ऊपर क्या होगा, कोई ऐसे मार्जिन या फिर वो लिमिटिंग एरिया में नहीं होता। तो वो क्या होगा, इनलार्ज हो सकता है, फैल सकता है, पूरे ऐसे अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ जा सकता है, ये पूरा
फैल सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। तो इस वाले और इसका आंतरिक जो भाग होता है वो पूरा क्या होता है, नेक्रोटिक होता है, यानी कि डेड होता है, मृत भाग होता है। इसका आंतरिक जो भाग होता है वो पूरा डेड होता है, डेड भाग डेवलप हो जाएगा और ऐसा धब्बा बन जाएगा। तो उस चीज को अपन क्या बोल देते हैं, लीजन। इसी टाइप से एक टर्म आती है इसमें, लीजन, और एक होता है स्पॉट। हिंदी में दोनों का मतलब एक ही होता है, धब्बा। लीजन को भी धब्बा ही बोलते हैं, स्पॉट को भी धब्बा ही बोलते हैं। स्पॉट में क्या होता है कि जो लीप स्पॉट होता है उसमें भी क्या होता है, नेक्रोटिक एरिया डेवलप होता है। नेक्रोटिक एरिया डेवलप होता है, नेक्रोटिक एरिया या फिर नेक्रोटिक लीजन डेवलप होता है या फिर नेक्रोटिक एरिया डेवलप होता है, लेकिन वो क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड का मतलब समटाइम्स रेस्ट्रिक्टेड बाई वेंस। जो पत्ती की वेंस होती है, जो सिराएं होती है, जैसे ये पत्ती है तो इसके अंदर जैसे ये सिराएं होती है, तो इन सिराओं के बीच में जब कोई नेक्रोटिक एरिया डेवलप होता है तो वो क्या होता है, इन सिराओं से घिरा रहता है या फिर इन सिराओं के द्वारा रेस्ट्रिक्टेड रहता है, इससे बाहर नहीं फैल पाता। ठीक है, इसके ऊपर एक मार्जिन होगा और मार्जिन में के मार्जिन के अलावा इसमें क्या होगा कि ये जो स्पॉट बनता है इसके चारों तरफ डिफरेंट कलर के या फिर वेरियस कलर का एक जोन बना रहता है, एक घेरा बना रहता है। तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, स्पॉट। स्पॉट की पहचान करते हैं तो क्या होता है कि उसके ऊपर या तो वो वेन के द्वारा घेरा रहता है, वेल डिफाइंड होता है यानी कि रेस्ट्रिक्टेड रहता है, बाउंड होता है यानी कि उसके ऊपर मार्जिन रहती है, और मार्जिन के चारों ओर क्या होता है, एक धब्बा रहता है कोई डिफरेंट कलर का, येलो कलर का हो सकता है, ब्राउन कलर का हो सकता है। तो ये सारे स्पॉट कहलाते हैं, इन चीज़ों को अपन क्या बोल देते हैं, इसको स्पॉट बोल देते हैं। लीजन जो बनेगा वो लोकेलाइज यानी कि फिक्स जगह पे ऐसे बनता है और वो पूरा इनलार्ज होकर पूरे पार्ट को डैमेज करता रहता है और वो साइज में बढ़ जाता है, उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता। तो इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, लीजन। अब अपन डैम्पिंग ऑफ की बात की, तो डैम्पिंग ऑफ के बाद करते हैं अपन बात ब्लाइट। एक होता है ब्लास्ट। ब्लास्ट है तो एक ब्लाइट ही, लेकिन ब्लास्ट क्या होता है, स्पेसिफिक टर्म हो जाता है, ये डिजीज का नाम भी ब्लास्ट ही होता है। तो ब्लास्ट में क्या होता है कि इस पे अफेक्टेड पार्ट का भी नाम लिया जाता है, तब इसको ब्लास्ट बोल देते हैं। ब्लाइट का मतलब क्या होता है, देखो सीधी सी बात होती है, ब्लाइट को बोलते हैं अपन रैपिड किलिंग टिश्यू की, रैपिड किलिंग होना। रैपिड किलिंग का मतलब तीव्रता के साथ में मृत्यु होना, कोई भी टिश्यू है उसका अचानक से बहुत तेजी के साथ में मृत्यु होना, उसको क्या बोल देते हैं अपन ब्लाइट। ठीक है, इसमें अफेक्टेड पार्ट कौन से हो सकते हैं, उसका स्टेम या फिर स्टेम का टिश्यू हो सकता है, लीव्स का टिश्यू हो सकता है, स्टेम का हो सकता है या फिर उसका लीव का टिश्यू हो सकता है या फिर फ्रूट वाले पार्ट के उसके टिश्यू हो सकते हैं, तो वो ब्लाइट हो जाती है उसके अंदर। ठीक है, अब इसके बाद क्या बात करते हैं अपन ब्लास्ट। ब्लास्ट का एक्चुअल मीन होता है कि बर्नट लाइक अपीयरेंस, बर्नट लाइक अपीयरेंस। फील्ड का क्या होता है कि जला हुआ दिखाई देना, ब्लास्ट का मतलब हो जाता है कि जला हुआ दिखाई देना। ठीक है, बर्नट लाइक अपीयरेंस ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नेक्रोटिक एरिया ऑन लीव्स पेनिकल स्टेम ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बर्नट लाइक अपीयरेंस हो जाती है, पौधा जला हुआ दिखाई देता है, किस वजह से, डेवलपमेंट ऑफ नेक्रोटिक एरिया। नेक्रोटिक एरिया मतलब डेड पार्ट का विकास होने की वजह से वो क्या हो जाता है कि जला हुआ दिखाई देता है, किस
उसमें अफेक्टेड पार्ट कौन से होते हैं प्लांट के, लीफ होती है उसकी और उसका पेनिकल, मतलब उसका क्या होता है कि पूरा का पूरा फ्लोरल पार्ट, ठीक है, नेक बोलते हैं उसको, फ्लोरल पार्ट। तो फ्लोरल पार्ट और स्टेम, ये सारे पार्ट इसमें क्या हो जाएगा कि ये जले हुए, जैसे किसी ने इस पे आग लगा दी हो तो इस टाइप से वो जला हुआ दिखाई देता है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, ब्लास्ट। ये डिजीज भी होती है, इसका नाम डिजी, ये ब्लास्ट एक डिजीज ही है। किसके अंदर होती है, ये राइस के अंदर होती है। तो राइस के अंदर आप देखो ब्लास्ट की जब भी बात करें तो अपने को ये कन्फर्म हो जाता है कि नेक्रोटिक एरिया डेवलप होता है या फिर उसके ऊपर लीजन्स बनते हैं। नेक्रोटिक एरिया डेवलप होना मतलब उस पर लीजन्स बनेंगे, वो लीजन्स किस किस पार्ट को इफेक्ट करेंगे, उसकी लीफ को इफेक्ट करेंगे, उसके पेनिकल को इफेक्ट करेंगे और स्टेम को इफेक्ट करेंगे। बस इस डिजीज में आगे सिम्टम लिखने में एक ही पॉइंट आगे ऐड करना पड़ता है कि किस शेप में और किस साइज में वो लीजन्स बनते हैं और कैसे कैसे उनकी ग्रोथ होती है, उनका कलर क्या होता है। तो ये ब्लास्ट का अपने सारे सिम्टम उसी टाइम आराम से याद हो जाएंगे जब अपने को इसके बारे में पता होता है कि ब्लास्ट होता क्या है, ठीक है। ब्लास्ट के बाद अपन बात करते हैं एक टर्म आ जाता है जैसे कैंकर। अब कैंकर में क्या होता है कि कैंकर जो पार्ट होता है, कौन सा पार्ट अफेक्टेड रहता है कि उसके ट्विग होती है, लीव्स भी अफेक्टेड रहती है, फ्रूट भी अफेक्टेड रहता है, स्टेम भी अफेक्टेड रहता है। तो ये सारे पार्ट, कैंकर होता किसमें है, सिट्रस के अंदर हो जाता है, बहुत सारी क्रॉप में होता है कैंकर, लेकिन अपने मेजर जो अपने दिमाग में रखना है वो है सिट्रस। सिट्रस के अंदर क्या होता है, कैंकर का मतलब भी यही होता है कि अपन नेक्रोसिस की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, इसके अंदर भी क्या होता है, नेक्रोटिक एरिया डेवलप होता है, नेक्रोटिक एरिया या फिर नेक्रोटिक सनकेन लीजन्स। Developed on fruit, stem, leaves. अब क्या होता है कि fruit stem पे क्या होता है, necrotic sunken lesion मतलब धंसा हुआ, धंसा हुआ मतलब कि जो fruit होता है, अपने देखते हैं कि नींबू के, कई बार अपन मार्केट में देखते हैं कि नींबू के ऊपर ऐसे छोटे छोटे ऐसे ब्राउन कलर के क्या होते हैं, ऐसे धब्बे से दिखाई देते हैं और बिल्कुल ऐसे रफ होते हैं, जिनको हाथ लगा के ऐसे छूते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो ऐसे खुरदरे टाइप के होते हैं। तो वो चीज़ क्या होती है, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, कैंकर। किस वजह से हुआ, नेक्रोटिक डेवलपमेंट हुआ उसके अंदर, नेक्रोटिक एरिया बना। कैसे बना कि जो उसका टिश्यू होता है उसके अंदर ऐसे धंसा हुआ, उसके टिश्यू के अंदर धंसा हुआ होता है और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर वाला पूरा का पूरा पार्ट होता है वो क्या होता है, डेड होता है और उसकी साइड में उसकी मार्जिन होती है वो बिल्कुल हार्ड होती है। तो वो ड्राई हो जाता है, उस वजह से उसकी स्ट्रक्चर, वो जो साइड होती है उसकी मार्जिन होती है वो हार्ड हो जाती है। तो उस टाइप के सिम्टम को भी अपन, उस टाइप के सिम्टम को अपन बोलते हैं कैंकर। और ये भी किसका रिजल्ट होता है, नेक्रोसिस का कारण होता है। इसके आगे 8-10 पॉइंट और भी है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इनको तब तक ध्यान से देखना, समझ में नहीं आए तो अपन दोबारा डिस्कस करेंगे। थैंक यू।